बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे तिलहन, कपास, जीरा, बाजरा और ग्वार के बाजार की। इसके अलावा आपको कई और कृषि जींसों के बाजार की स्थिति आपको मंडी खबर में हम बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है कुल तिलहन की बुआई, 1 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंचा रकबा। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज तिलहनी कृषि जींसों से। जी हां, चालू रबी सीजन में कुल तिलहन का रकबा बीते साल से 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कुल तिलहन की बुआई में सबसे ज्यादा सरसों की खेती हो रही है। अब तक सरसों की बुआई निर्धारित तय लक्ष्य से 28 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। फिलहाल तिलहन की स्थिति क्या है बाजार में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश में चल रही रबी फसलों की बुवाई में तिलहन की खेती चरम पर है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुवाई में देरी हुई है। बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 25,41,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। 4 फरवरी तक कुल तिलहन की बुवाई 1,02,79,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुवाई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 2 गुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है रबी तिलहन फसलों में सरसों की बुवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी तक सरसों की बुवाई 18,51,000 हेक्टेयर बढ़कर 91,63,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुवाई का रकबा 73,12,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के बाद दूसरी तिलहनी फसलों की बुवाई पर नजर डालें तो मूंगफली की बुवाई 4 फरवरी तक 5,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 5,18,000 हेक्टेयर था। वहीं सूरजमुखी की खेती अब तक 1,19,000 हेक्टेयर में की जा चुकी है, जो बीते साल इस दौरान 1,09,000 हेक्टेयर रही थी। तिल के रकबे की बात करें तो 4 फरवरी तक रबी तिल की बुवाई 54,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान रकबा 56,000 हेक्टेयर रहा था। अलसी की बुवाई चालू रबी सीजन 2021-22 के दौरान 2,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अलसी की खेती 2,80,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जाना आपने तिलहन के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति इसके बाजार में बनी हुई है, और खासतौर से जो रकबा है वो आपने देखा उसमें किस तरीके से लगातार जो बदलाव है आ रहा है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो सरसों की खेती है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तय लक्ष्य से भी काफी ज्यादा आगे अभी तक सरसों की खेती की गई है। हालांकि बाजार की स्थिति भी आपने जानी। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। घरेलू स्तर पर हो सकती है तिलहन की अच्छी पैदावार, इस साल 23 मिलियन टन के पार जा सकती है उपज। और वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय मूंगफली की मांग, 5,380 करोड़ रुपए का हुआ निर्यात। आपको बता दें देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो आपको बता दें तिलहन की उपज में करीब 23 मिलियन टन के पार जाने का जो अनुमान है ये जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहनी फसलों के भाव पर पड़ सकता है। आइए एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और जानते हैं बाजार की स्थिति।
देश में खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल होने वाली फसलों में मूंगफली, सोयाबीन और सरसों प्रमुख तिलहन फसलें हैं। देश में कुल तिलहनी फसलों में सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार होती है। सरसों का उत्पादन देश में दूसरे नंबर पर आता है। सरसों उत्तर भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है। देश के 5 प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों में राजस्थान का स्थान पहले नंबर पर है। राजस्थान में कुल सरसों उत्पादन में 46.06% भागीदारी है। इसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं सोयाबीन एक खरीफ फसल है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन होने का अनुमान है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। देश में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। देश के कुल मूंगफली उत्पादन का लगभग 50% इसी राज्य से आता है। गुजरात में पिछले 2 सालों में उपज में भी लगातार खासी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं भारत में विभिन्न प्रकार के तिलहन फसलों में लगभग 1/4 मूंगफली का हिस्सा है। मूंगफली की खली का उपयोग पशु आहार के रूप में भी होता है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर मूंगफली की अच्छी उपज हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंगफली की पैदावार साल 2020-21 के दौरान 95,35,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल मूंगफली की उपज का आंकड़ा 83,67,000 टन रहा था। तो जाना आपने तिलहनी फसलों में अगर बात की जाए, ना सिर्फ सरसों बल्कि इसके साथ साथ सोयाबीन या मूंगफली को भी देखें तो वहां भी इजाफा जो है वो होता नजर आ रहा है, जिसका फायदा आने वाले समय में किसानों को मिल सकेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं जौ के मंडी भाव पर। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर बात करें तो आपको बता दें यहां देसी जौ का भाव रहा 2,586 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहां भाव रहा 2,155 रुपये क्विंटल, जबकि गाजियाबाद मंडी में यह भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही करवी मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त कुछ लाइक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कपास और जीरे के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मां कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना मां कब आएगा? बोलो ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं मां, हमारे घर नल से जल कब आएगा? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी, जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कपास और जीरे के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं तिलहन के बाजार का भी। खासतौर से निर्यात की अगर बात करें तो वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग लगातार बढ़ रही है। इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। वहीं अरंडी तेल के निर्यात की बात करें तो साल 2020 और 21 के दौरान अरंडी तेल का निर्यात बीते 2 साल के मुकाबले बढ़ा है।
सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं अरंडी तेल के निर्यात पर नजर डालें तो बीते 2 साल के दौरान अरंडी तेल के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। साल 2016-17 के दौरान अरंडी तेल का निर्यात 4,531 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान अरंडी तेल के निर्यात में उछाल आया और निर्यात 6,730 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 6,170 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान अरंडी तेल का निर्यात 6,323 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरंडी तेल के निर्यात में 478 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 6,801 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वहीं खाद्य तेल के निर्यात की बात करें तो बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल खाद्य तेल का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। साल 2016-17 के दौरान खाद्य तेल का निर्यात 779 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2017-18 के दौरान खाद्य तेल का निर्यात 566 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान निर्यात 744 करोड़ रुपए पर हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान खाद्य तेल का निर्यात 1,208 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान खाद्य तेल के निर्यात में 3,245 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 4,453 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। तो जाना आपने निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है और लगातार अगर देखा जाए तो अच्छे आंकड़े जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि खाद्य तेल की अगर बात की जाए तो इसमें देश आत्मनिर्भर हो सके और उसी का असर हम देखते हैं जिस तरीके से ना सिर्फ जो तिलहनी फसलें हैं उनको लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है, एमएसपी उनका बढ़ाया जा रहा है जिससे आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में आ सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ज्वार का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो ज्वार का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी, यहां भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। वहीं खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी, यहां ज्वार के सौदे 1,910 रुपए क्विंटल पर हुए। और आइए अब जानकारी लेते हैं कपास के बाजार की भी। देश से होने वाले कपास के निर्यात में साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2016 और 17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017 और 18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018 और 19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा दर्ज किया गया। निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019 और 20 के दौरान कपास का निर्यात 7,549 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। वहीं बात कपास के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 9,955 रुपए क्विंटल। जम्बूसर मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल, जबकि राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी, यहां भाव रहा 10,050 रुपए क्विंटल। आपको बता दें इस साल कृषि मंत्रालय ने 2021 और 22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021 और 22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गाठे होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर नजर आ सकता है।
और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। रुक करते हैं धान के बाजार का, इसका बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में ये जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी की तो यहां धान का भाव रहा 1950 रुपए क्विंटल। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो भाव रहा 1420 रुपए क्विंटल, जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी यहां भाव रहा 2150 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहां सामान्य धान का भाव रहा 1560 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं जीरे के बाजार का हाल। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना एक अहम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें तो लाल मिर्च के बाद जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2020 और 21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे अधिक रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016 और 17 में जीरे का कुल निर्यात 1,29,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017 और 18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,41,670 टन का रहा। हालांकि साल 2018 और 19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,80,000 टन के पार जा पहुंचा। इसी तरह वित्त वर्ष 2019 और 20 में जीरे के निर्यात की बात करें तो ये 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार जा पहुंचा है। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो आपको बता दें जीरे की पैदावार में साल कुछ कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। तो करीब करीब अगर देखा जाए 10% की कमी जो है वो इस बार जीरे की उपज में आ सकती है, लेकिन निर्यात मांग जो है वो काफी मजबूत, लगातार निर्यात में इजाफा हो रहा है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गेहूं का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करें गुजरात की दाहोद मंडी की तो यहां लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,225 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी, यहां भाव रहा 1,940 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,090 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आटा मंडी, यहां भाव रहा 1,980 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहां वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे ग्वार और बाजरे के बाजार का हाल भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं बाजरे के बाजार की। रबी फसल वर्ष 2021 और 22 के दौरान बाजरे की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। हालांकि बीते कुछ समय से आगे चल रहे बाजरे के रकबे में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी बाजरे की बुआई 18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इसी तरह साल 2020 और 21 के दौरान बाजरे की बुआई का रकबा 20,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो आपको बता दें एग्मार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में
यहां देसी बाजरे का भाव रहा 1,850 रुपए क्विंटल। राजस्थान की ब्यावर मंडी, यहां भाव रहा बाजरे का 1,950 रुपए क्विंटल। लालसोट मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,850 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल। मोटे अनाज की पैदावार को खासतौर से अगर देखा जाए तो मोटे अनाज के लिए साल 2021 और 22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने किस तरीके से जो मोटे अनाज हैं उसकी उपज में इजाफा हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं दलहन की भी, अरहर का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में ये जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की राजकोट मंडी की तो यहां साबुत अरहर का भाव रहा 5,740 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी, यहां भाव रहा 5,450 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की महुआ मंडी में भाव रहा 5,670 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही इटावा मंडी, यहां अरहर का भाव रहा 6,350 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब अरहर के बाद नजर डालते हैं चने के बाजार भाव पर भी। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो चने का भाव रहा 4,475 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी, यहां भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 4,504 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,550 रुपए क्विंटल। और आइए अब जानकारी लेते हैं खासतौर से ग्वार सीड की भी आखिर में, क्योंकि लगातार आपको बताते हैं कि अलग अलग कृषि जिन्सों की स्थिति क्या है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। वहीं शनिवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार वाली के लिए पहुंची। बात ग्वारगम के निर्यात की करें तो साल 2021 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। साथ ही आप भाव भी देख पा रहे हैं क्या स्थिति रही है अलग अलग मंडियों में। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जो ताजा आंकड़े दिए गए हैं साल 2021 में बीते 8 महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात की अगर बात की जाए तो आप बता दें 64,000 टन बढ़कर 2,09,000 टन के पार जा पहुंचा है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,44,963 टन का ही हुआ था। वहीं भाव आपको लगातार हम बता रहे हैं नेट के अनुसार क्या स्थिति रही है। जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,275 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात की जाए हलवद मंडी की, गुजरात की मंडी, यहां भाव रहा 3,350 रुपए क्विंटल। हालांकि सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 3,340 रुपए क्विंटल। वहीं गोलूवाला मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,386 रुपए क्विंटल। जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,275 रुपए क्विंटल। तो अलग अलग मंडियों में जो भाव रहे हैं वो आपने यहां पर जाने क्या स्थिति रहती है, और लगातार कोशिश हमारी यही कि सारी जानकारी आपको हम दें। लेकिन फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं अब डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर इस QR कोड को स्कैन करके। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके स्तनों में गांठ है? क्या आपके स्तनों में दर्द रहता है? तो हो जाइए सावधान, पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से। ब्रेस्ट कैंसर तन से अधिक मन पर असर, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7:00। नया जमाना कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 सिर्फ डीडी किसान पर। फौजिया जी, कोविड के समय हमने देखा है कि एजुकेशन को लेके, और एज एन एजुकेशनिस्ट क्या आपको लगता है इससे एक थोड़ा सेटबैक हुआ है? इस कोविड में, इस पैंडेमिक में जिस तरह से बच्चों ने लर्निंग लॉस सफर किया है, वो उसके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं। स्कूल को भी लग रहा था कि बच्चा तो अटेंड कर रहा है, लेकिन बच्चा अटेंड नहीं कर रहा था, बड़ा लर्निंग लॉस हुआ है इससे। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हम गन्ने के घर शामली में हैं, लगातार लोगों से पूछ रहे हैं किन मुद्दों पे वो अपना वोट डालेंगे। हम नई सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि कानून व्यवस्था जो कि तू बनी रहे। आदमी अपना व्यवसाय है, चाहे वो किसान है चाहे वो व्यापारी है, वो अपना जीवन यापन बड़ी आजादी से कर रहा है। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल, अच्छी सरकार चाहे विकास करे, हर गुंडागर्दी ना हो, अमन चैन से ये लोग बाग। मैं तो ये कहूंगा भाई, जो सरकार सुरक्षा कर सके उसे वोट दो। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से चार कदम आगे रहना चाहता हूँ। I'm sorry, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, लॉन्जिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। चार प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर, हर रविवार रात 8:00। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। पापे। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। बदलते भारत की शान।